नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल ग्रेट बट अननोन में। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी जगह है जिसका अपना एक इतिहास है, जिसकी अपनी एक खूबसूरती है, लेकिन लोगों से अनजान है। तो इस चैनल में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी ही जगह जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। तो आज शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर चलिए जानते हैं ऐसे ही एक शिव मंदिर के बारे में। गुजरात के वडोदरा शहर से 7 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे नंबर 8 पर बसा है वर्णामा गांव, और यहां पर स्थित है वरुणेश्वर महादेव। तो आइए दोस्तों, शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम दर्शन करते हैं पवित्र वरुणेश्वर महादेव के। वरुणेश्वर महादेव का यह शिवलिंग यहाँ पर 500 साल से भी अधिक समय से है और स्वयंभू ही प्रकट हुआ था। कहते हैं कि इस गांव का नाम वर्णामा भी वरुणेश्वर के नाम पर से ही रखा गया था। साथ में यहाँ पर विराजमान है श्री व्रजवीर हनुमान जी। हनुमान जी की यह मूर्ति भी यहाँ पर स्वयंभू ही प्रकट हुई थी। और अब जानते हैं हमारे दोस्तों से इस जगह के बारे में। नमस्कार मित्रों, मारू नाम मनीष पटेल, हमारा मित्र हर्षिल पटेल। आप जो रहा छो वर्णामा गाम नी वाव, आ स्वयंभू मूर्तिओ छे अने आ वाव छे, एनी बाजुमां सुंदर शंकर भगवान नुं मंदिर आवेलुं छे। आ वर्षो जूनी वाव छे અને આ મૂર્તિઓ જે છે એ સ્વયંભૂ પ્રગટ થયેલી છે। પહેલાના જમાનામાં જ્યારે ગામમાં બોરની વ્યવસ્થા નથી ત્યારે લોકોનો પાણીનો સોર્સ પીવાનો આ વાવ જ હતી, અને આવી રીતે જે પહેલા કૂવા ખોદતા હતા એમાંથી લોકો પાણી પીવા માટે વાપરતા હતા, બરાબર। આ ખૂબ જ સુંદર વાવ છે। અહીંયા ઘણા પણ આ સ્વયંભૂ બનેલી છે એટલે ઘણા લોકો આવીને અહીંયા ભગવાનના દર્શન કરીને જાય છે। આ જોઈ શકો છો તમે, જે ખૂબ જ જૂની લિપિનું તકતી છે, જે સંસ્કૃત ભાષા કરતા પણ જૂની છે, જેને વાંચવા અને એનું નિરાકરણ કરવા લોકો એક્સપર્ટ લોકો આવીને ગયા છે, પણ હજુ સુધી કોઈને ખ્યાલ આવતો નથી કે આ કઈ ભાષામાં લખેલ છે અને એ શાના વિશે લખેલ છે। તો અહીંયા તમે આવી શકો છો, તમે આવશો તો ખૂબ આનંદ થશે તમને। અગર આપ વર્ણામા ગામ આતે હૈ તો સાથ મે હી વીર ભાથીજી મહારાજ ઓર બડિયા બાપજી કે ભી દર્શન કર સકતે હૈ, જો બડી હી ખૂબસૂરત જગહ પર હૈ। ઇસકે અલાવા વર્ણામા સે પહેલે આતા હૈ દાદા ભગવાન કા त्रिमंदिर, और वर्णामा से थोड़ा ही आगे है जैन तीर्थ धाम। तो दोस्तों, हमें जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा पहला वीडियो। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।